नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम आपको महादेव की सत्य चमत्कारिक घटना सुनाने वाले हैं। एक ऐसी घटना जिसमें भक्त पुनर्जन्म लेकर अपने कातिलों का पर्दाफाश करता है। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य चमत्कारिक घटना है, परंतु कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया था और आज हम आपको यह घटना सुनाने वाले हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी घटना को सुनने के बाद यह जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, बात है सन 2008 की। महाराष्ट्र के नासिक में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम उसके माता पिता ने प्रमोद रखा। प्रमोद बचपन से ही काफी प्रभावशाली और अमानवीय शक्तियों सा महसूस हो रहा था। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जा रही थी, उसमें अलग अलग परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि अक्सर वो रात में सपने में चिल्लाने लगता कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। थोड़ा और बड़ा हुआ तो यह कहने लगा कि साजापुर में मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है, जिसमें मेरी एक पत्नी है, मेरा एक बड़ा भाई है और मेरा एक छोटा बच्चा भी है। उसकी इस प्रकार की बातों को सुनकर उसके माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे कि यह इस प्रकार की बातें क्यों करता है। महज 8 वर्ष की उम्र में कहीं इसे किसी प्रकार की कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है। ऐसे में प्रमोद के माता पिता ने उसे साइकाइट्रिस्ट को दिखाने का निर्णय लिया। जब वे उसे डॉक्टर के पास दिखाने गए, तब डॉक्टर ने भी उसे एक अमानवीय शक्ति वाला बालक घोषित किया, परंतु उसमें किसी प्रकार का कोई पागलपन नहीं है, यह भी दावा किया। दोस्तों, जब प्रमोद 12 साल का हुआ, तब उसने जो बात अपने माता पिता से कही, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रमोद ने अपने माता पिता को बताया कि मेरा असली नाम रामकिशन शर्मा है, मैं साजापुर का रहने वाला हूँ। मेरी एक पत्नी है, मेरा एक भाई है, परंतु किसी लालचवश मेरे भाई ने मेरा कत्ल कर दिया था और बाहर के ही आंगन में मुझे दफना दिया था। एक 12 साल के बालक से इस प्रकार की बातों को सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। सभी लोग बहुत चिंता में थे और कुछ ज्यादा सोचने पर भी मजबूर हो गए थे। तब प्रमोद के पिता ने नासिक के एक परिवार शर्मा परिवार की थोड़ी बहुत इंक्वायरी निकाली। तब उन्हें जो सच्चाई पता चली, उन्हें जानकर वो बहुत ज्यादा हैरतअंगेज रह गए, क्योंकि सन 1986 में रामकिशन शर्मा का सचमुच में देहांत हो गया था और जो प्रमोद था वह उनका पुनर्जन्म हुआ था। वे किसी को यह बात बताते तो उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। फिर भी उसके माता पिता ने प्रमोद से संपूर्ण सच्चाई जानने का फैसला किया। तो प्रमोद ने बताया, बात उस समय की है जब मेरी उम्र 24 साल हुआ करती थी। मैं दिखने में काफी आकर्षक था और रुक्मणी नाम की एक लड़की से, जो कि अति सुंदर थी, मेरी उसे शादी हुई। उसकी इसी सुंदरता के कारण धीरे धीरे कहीं न कहीं मेरा भाई भी उसे चाहने लगा। हम दोनों बहुत ज्यादा खुश थे अपने वैवाहिक जीवन पे, परंतु कहीं न कहीं हमारे भाई की काली नजर हमारे दाम्पत्य जीवन पर थी। तभी मेरे भाई ने प्लान बनाया कि अगर वो मुझे मार देता है तो रुक्मणी की शादी उससे करवा दी जाएगी। एक समय की बात है, जब हम दोनों पति पत्नी रात में सो रहे थे, तब मेरा छोटा भाई अनुज आया और उसने तकिए से मेरा मुंह दबा दिया। उस समय मेरे वश में कुछ भी नहीं था, बस मैं महादेव का नाम ले रहा था और ओम मंत्र का निरंतर जाप कर रहा था, और महादेव के स्मरण के साथ ही उसी समय मेरे प्राण निकल गए। और उसके बाद यह बता दिया गया कि दम घुटने की वजह से मेरी मृत्यु हो गई है, और अनुज के प्लान के अनुसार मेरे परिजनों ने उसके बाद रुक्मणी की शादी उससे करवा दी। उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ मुझे कुछ नहीं पता। आज मुझे ये सब मेरे महादेव की कृपा से याद आया है, ताकि मैं रुक्मणी को सब कुछ सच बता सकूं। इसके बाद दोस्तों, प्रमोद के माता पिता ने यह सारा सच उन परिजनों के सामने रखने का निश्चय किया और वे निकल पड़े नासिक में शर्मा परिवार के घर की ओर। जब हम उनके घर के यहाँ पहुंचे, तभी आंगन में रुक्मणी खड़ी हुई थी। प्रमोद उनके पास गया और उसने उसके गाल पे हाथ करके कहा कि कैसी हो मेरी रुक्मणी। वो अंदर गया, उसके माता पिता के उसने चरण स्पर्श किए। उस समय तक शर्मा परिवार के कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी समय अनुज वहाँ आ गया। अनुज को देखते ही प्रमोद बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, उसको मारने के लिए दौड़ा और उसकी कॉलर पकड़कर पूछा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद प्रमोद के माता पिता ने सारी सच्चाई शर्मा परिवार के सदस्यों को बताई और प्रमोद जो तथ्य बता रहा था उसके आधार पर उन्हें उस सच्चाई को मानना भी पड़ा। उन्होंने अनुज का बहिष्कार किया और रुक्मणी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जहां तक बात है कत्ल की सजा मिलने की, तो कोर्ट ने इन सब बातों को नहीं माना, क्योंकि कोर्ट किसी भी प्रकार के पुनर्जन्म की बातों पर विश्वास नहीं करती है। तो दोस्तों, आप हमें बताइए, क्या आप इस घटना पर विश्वास करते हैं? क्या इस प्रकार का कुछ घटनाक्रम हो भी सकता है? क्या पुनर्जन्म के इतने साल बाद कोई बंदा अपनी मौत का बदला लेने आ सकता है? जी हाँ दोस्तों, महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा अगर इंसान रखता है तो जीवन में कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इस घटनाक्रम ने प्रभावित किया हो तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अभी के लिए आप सभी को जय श्री महाकाल।